दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मुझको कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि तुम जहाँ पढ़ते हो वो यूनिवर्सिटी दिखाओ, वो कॉलेज दिखाओ, कहाँ पढ़ते हो। और एक्चुअली मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के रेजिडेंशियल कैंपस IET कैंपस से। तो अभी हमारे IET कैंपस में कई सारे मेजर इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, यहाँ के हॉस्टल्स भी इम्प्रूव हुए हैं, रेनोवेशन हुई है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रॉपरली, जैसे कि देख सकते हैं सब अपना जो मेन गेट है और सारी चीज़ें जो हैं इम्प्रूव हुई हैं। हम इस वीडियो में आपको अपना कॉलेज का, मैं अपने कॉलेज का दर्शन कराने वाला हूँ, भ्रमण कराने वाला हूँ, मतलब एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो बने रहो वीडियो में और चलते हैं अपने लोग। तो दोस्तों, जैसे ही हम एंट्री लेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये मेन कैंपस IET का, ये मेन रोड जाती हुई दिखेगी आपको। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे रैगिंग पूर्णतः निषेध है। और यहाँ पे आपका वुमेन का जो है वुमेन ग्रीवेंस और वेलफेयर का सेल है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर आपको हमारे कॉलेज की कैंटीन दिख जाएगी और उसके बगल में आपको दिख जाएगा पार्किंग लॉट जहाँ पे हम लोग अपने अपने साइकिल्स व्हीकल्स को खड़ी कर सकते हैं। सो ये है एंट्रेंस अपने IET का। और ये मेन एंट्रेंस नहीं है दोस्तों, हम आपको मेन एंट्रेंस पर ले चलते हैं। तो ये वाली रोड जो जा रही है आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है, इसका भी रेनोवेशन भी कराना बाकी है। तो ये जो है अच्छा देखने में लुक आएगा। और जो हमारे कॉलेज जो मेन गेट है वो आप देख सकते हैं ये है। और ये इसका नाम आप देखिए विश्वेश्वरैया भवन है। तो आप ये देख सकते हैं ये है विश्वेश्वरैया भवन। तो दोस्तों, ये है फ्रंट गेट जो भी विश्वेश्वरैया भवन है ये अपने कॉलेज का। और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पर दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। अभी ये तीन डिपार्टमेंट इस ब्लॉक में रन हो रहे हैं। बाकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसका डिपार्टमेंट आगे है, जो आपका मैनेजमेंट MBA है उसका भी डिपार्टमेंट आगे है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, जो कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो भाई एक पूरी बिल्डिंग ही इन लोगों ने बना के दे दी है। तो मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग का भी आपको लुक दिखाता हूँ। तो चलो, तो ये अब ये ब्लॉक जो ख़त्म हो गया अपना, ये दूसरा ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ब्लॉक आपका वहाँ आगे तक गया हुआ है। तो ये ब्लॉक जो है ये मैकेनिकल ब्लॉक है और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की टेम्प्रेरी क्लासेस चलती थी इसमें। तो ये है दोस्तों हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कल्पना चौक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास चलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कल्पना चौक सभागार है यहाँ पे। और देख लो भाई, ये है अपना डिपार्टमेंट, 2 फ्लोर का बना हुआ डिपार्टमेंट ये। और आप आगे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है और इसका मेन एंट्रेंस यही है। और वहाँ से आप साइड से एंट्रेंसेस हैं और इधर आपको कल्पना चौला सभागार है। मैं थोड़ा सा अंदर आके आपको दिखा सकता हूँ, मैं तो आपको दिखा देता हूँ अंदर। तो ये देख सकते हैं अपना डिपार्टमेंट वो है कल्पना चावला सभागार है वो। और जितनी भी लैब्स हैं मैकेनिकल की, जैसे कि ड्राइंग लैब, ये हो गई अपनी कैड लैब, मशीन शॉप, कारपेंट्री शॉप। तो दोस्तों, ये है अपना दूसरा ब्लॉक, इसको कहते हैं व्यवसाय एवं प्रबंधन विभाग। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कह सकते हो इंग्लिश में। और ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी वेल मैनेज्ड डिपार्टमेंट है और काफ़ी आप देख सकते हो बाहर से बड़ा डिपार्टमेंट है। और इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी है जिसमें कि लोग अपनी प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। सो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये मैं बाहर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम अभी आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ओपन है नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखा सकता था। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका गेंदालाल अति विशिष्ट अतिथि गृह और ये आप देख सकते हो कितना ही बड़ा है। तो ये एक अतिथि का मतलब विशिष्ट गृह मतलब गेस्ट हाउस एक तरीके से कह सकते हो आप, जो कि बना हुआ है अपने IET कैंपस में। तो दोस्तों, अब चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की तरफ और वहाँ पर चल के आपको डिपार्टमेंट की सैर कराते हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही क्या कहते हैं एक तरीके से क्रक्स है इस वीडियो का। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने दूसरे बिल्डिंग की तरफ, मतलब दूसरे नहीं, कई सारी बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई। और ये वाली बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड साइंस एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। जैसे आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ हिंदी में पर्यावरण विज्ञान विभाग, भू भौतिकी विभाग, भौमिक विभाग, भूगोल विभाग, जनपद अभियांत्रिकी विभाग। तो ये अपना सिविल इंजीनियरिंग का भी डिपार्टमेंट यहाँ पर है और ये नई बिल्डिंग बनी है और अभी सारी चीज़ें इसमें सेट हो रही हैं। तो आइए हम दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं और क्या क्या चीज़ें अभी इसमें और भी की जा रही हैं। तो चलते हैं इस बिल्डिंग के अंदर और आपको इस बिल्डिंग के अंदर की कुछ चीज़ें दिखाते हैं। अब
ये है अपना सिविल डिपार्टमेंट। और सबसे पहले हम इधर की साइड देखें तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कोर वैल्यूज़। आप देख सकते हो यहाँ विज़न है, मिशन है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ के साइड में आप देखो, इधर की साइड आप देख लो, उसके बाद यहाँ पे आप देखो सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। लाइटिंग आप देखिए सर, लाइटिंग देख लीजिए यहाँ से आप, ऐसे मैं एक व्यू दिखाता हूँ आपको। तो अभी चलते हैं और नीचे के साइड के जितने भी केबिन से उनको देखते हैं। तो जो भी सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हम पहले उसमें चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ER अमित सिंह, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनकी केबिन है यहाँ पे, इनका पूरा का पूरा एक केबिन है। यहाँ पे ER कन्हैया लाल पांडे, तो ये भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये भी सारे इनकी भी केबिन है। यहाँ पे देखते हैं ER प्रिंस पोदार असिस्टेंट प्रोफेसर, इनकी केबिन है ये, अब देख लो। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो मॉडर्न सर्वेइंग लैब है, ये मॉडर्न सर्वेइंग लैब है, ये अपनी सर्वेइंग की लैब यहाँ चलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे इलेक्ट्रिकल के पैनल्स लगे हुए हैं। और ER सौहार्द ओझा असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग, ये सौहार्द ओझा की कैबिन है, केबिन है। और ये है वॉशरूम अपना, वॉशरूम, और यहाँ पर आई थिंक लगेगा वाटर कूलर। और ये है अपना फायर एक्सटिंग्विशिंग का, और यहाँ से स्टेयर्स जाती हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक और केबिन दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो ये है केबिन। आप देखो यहाँ पे ये फैकल्टीज़ के लिए है, फैकल्टीज़ अपने यहाँ पे अलग अलग डेस्क हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेन कबर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हो कुछ अलग ही अच्छी चीज़ है, ये देख सकते हैं आप, प्रॉपरली खुल रहा है, बंद हो रहा है। और इधर भी जो डेस्क हैं आप देख सकते हो, डेस्क जो हैं प्रॉपरली खुल रही हैं। तो मतलब काफ़ी मेटेलिक डेस्क बनाई हुई हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। तो वर्क स्पेस को एक तरीके से अच्छा किया गया है। और ये जो ये चीज़ है ये आप देख सकते हो, ये आपका वो है, क्या कहते हैं, स्टोन है आपका, ये ग्रेनाइट स्टोन लगाया गया, क्योंकि ब्लैक वाला लगाया गया है स्टोन। तो देख सकते हो आप कितनी ही क्वालिटी वाला काम किया गया है। तो यहाँ पे जो भी फैकल्टीज़ है वो फैकल्टीज़ अपना बैठेंगे, इवेल्युएट करेंगे चीज़ों को बच्चे के लिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो मेन केबिन है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक हम फर्स्ट फ्लोर की क्लास पे आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा का पूरा हॉल है। और यहाँ पर आप देखिए डिजिटल पोडियम लगा हुआ है, आगे LCD पैनल लगा हुआ है, और उसके ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं कुछ लाइट टाइप का लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ चेयर्स लगी हुई हैं, जिससे कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हॉल में मतलब बच्चों को कुछ प्रेजेंटेशन या कुछ दिया जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं LEDs लगी हुई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई कि मतलब डिजिटल क्लासरूम का कुछ यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं टेरेस पे, और टेरेस का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देखो बहुत ही बड़ी छत है, और आई थिंक ये प्रोहिबिट कर देंगे छत पे जाने का। तो देख लो कुछ ऐसा व्यू है भाई यहाँ का, और बगल में अपनी हवाई पट्टी जा रही है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों, कि जब भी कोई अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में, उसके साल में अगर मान लीजिए कुछ क्या कहते हैं एयरपोर्ट का कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो फिर यहाँ पर एयरपोर्ट की फ़्लाइट्स आने जाने में बहुत ज़्यादा शोर होने वाला है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई में हर्डल हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं यहाँ पे, मैंने आपको दिखाई, वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।